सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल को और ज्वाइन कीजिए हमारी टेक फैमिली को। हे नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र शेखावत आपको फिर स्वागत करता हूँ अपने ही एक्साइटिंग चैनल शेखावत टेक्निकल में। दोस्तों आज अगर हम बात करते हैं MIUI 10 के ग्लोबल बीटा अपडेट जिसका नंबर है MIUI 10 ग्लोबल 8.8.9 बीटा, तो फाइनली अपडेट आ चुका है। हालांकि अपडेट तो थर्सडे को यानी कि गुरुवार को ही आ गया था, लेकिन मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ फ्राइडे को क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी फिलहाल मैं घर पर आ गया हूँ, तो अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएगी, तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए बात कर लेते हैं इस अपडेट में क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं, क्या कुछ नया हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं सिस्टम अपडेट में आता हूँ। सिस्टम अपडेट जाने का मैं लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ 3 डॉट के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ पर व्हाट्स न्यू के ऊपर टैप कर देता हूँ। तो व्हाट्स न्यू के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडर। कैलेंडर में लिखा हुआ है फर्स्ट में टर्न ऑन कैलेंडर स्टोरेज फॉर ऑल यूजर्स। अब इसका मतलब क्या भाई, जो भी अपडेट आया है सारा कैलेंडर के अंदर ही आया है, मतलब कैलेंडर को और इम्प्रूव किया गया। हालांकि मैं यूज़ कर रहा हूँ उस कैलेंडर को, तो आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स लिख सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप सीखेंगे उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या कुछ कर सकते हैं। कस्टमाइज कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, हालांकि पहले ही मिलता था लेकिन और मिल जाता है। नीचे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, टुडे हिस्ट्री मिल जाता है या कुछ है, सब कुछ आपको अलग अलग हिस्ट्री देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा। यहाँ पर आपको नेट कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, तो मेरा नेट कनेक्शन अभी ऑन नहीं है, तो मैंने ऑन भी नहीं किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे जैसे आप कैलेंडर को यूज़ करेंगे आपको सब पता चल जाएगा कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं कैलेंडर के अंदर। बाकी कुछ क्या लिखा, बग फिक्सेस। अब क्या कुछ बग फिक्स किए, तो सारे के सारे बग फिक्स किए जा रहे हैं। मतलब इस अपडेट में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस बताया जाता है कि इस अपडेट में आपको केवल बग फिक्स करने के लिए ही दिया जा रहा है। मतलब ये जो अगला अपडेट आएगा, अगले मंथ में जो अपडेट आएगा उसी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किए जाएंगे, लेकिन इस अपडेट में तो आपको केवल बग ही फिक्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फीचर की बात करें, तो अगर आप अपनी सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में अगर अबाउट फोन में जाते हैं, अबाउट फोन में जाने के बाद अगर सिस्टम अपडेट में जाते हैं, तो यहाँ पे आप 3 डॉट के ऊपर टैप कीजिए। 3 डॉट के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन अलग मिल जाता है, तो आप इसके ऊपर टैप करके देख सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन पहले नहीं था, बट आपको यह मिल जाता है। लेकिन मेरा अभी नेट कनेक्शन ऑन नहीं है, तो आपको दिखा नहीं सकता। पता नहीं यार नेट क्यों नहीं चल रहा आज, क्या कारण, मैं वीडियो अपलोड कैसे करूँगा मुझे खुद पता नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन है वो भी आपको अलग हट के मिल जाता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। मुझे जहाँ तक लगा है कि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया गया है। बाकी अगर आप सोचते थे कि रियर कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड मिला है या नहीं मिला, तो भाई आपको रियर कैमरा में अभी तक पोर्ट्रेट मोड नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसका फोकसिंग जो है कैमरा में, उसको बहुत ही इंप्रूव कर दिया गया है। जैसे कि मैं अपना ट्राइपॉड है सामने रखता हूँ, ट्राइपॉड सामने रखने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ इसके ऊपर। मैंने ये देखिए कितना फटाफट फोकस करता है ये। यहाँ पे मैं हटाता हूँ, इसे हटाया मैंने, तो ये देखिए एकदम एक सेकेंड भी नहीं लगता फोकस करने में। ये देखिए ये फोकस, यहाँ देखिए फोकस बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं मैनुअल। बाकी अच्छे अच्छे और फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि रियर कैमरा में जो पोर्ट्रेट मोड है उसको भी बहुत कुछ इंप्रूव किया गया है। मैंने जहां तक इसको नोटिस किया कि रियर कैमरा में जो पोर्ट्रेट मोड है उसको काफ़ी कुछ इंप्रूव किया जा रहा है। रियर कैमरा में पोर्ट्रेट मिलता है उसको पहले एज रिजेक्शन है वो सही नहीं थी, लेकिन अब आपको एज रिजेक्शन वो है वो बहुत ही इंप्रूव और अच्छी खासी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा सिस्टम की स्टेबिलिटी मैंने देखी है, बहुत कुछ खास इंप्रूव की गई है। अगर आप यहाँ पर सर्च के, हालांकि वो पहले ही मैं बता चुका था कि सर्च के बारे के ऊपर टैप करते तो आपका जो गूगल प्ले स्टोर, सॉरी आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि ये लास्ट अपडेट में ही आ गया था शायद मुझे याद है, या मुझे याद है भी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। उसके अलावा लास्ट अपडेट में आइकन वगैरह भी चेंज कर दिए गए थे, जैसे कि GPS का आइकन चेंज कर दिया गया था, और भी जैसे कि एयरप्लेन मोड का थोड़ा सा आइकन उसको बोल्ड कर दिया गया है, वो भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ आइकन जो है उनको इम्प्रूव किया गया है, जो कि हमें लुकिंग वाइज अच्छे लगते हैं और कुछ खास अच्छे लग जाते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करो लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो लॉक स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ अभी इंप्रूव कहाँ किया जा रहा है, तो अभी इंप्रूव किया जा रहा है थीम्स के अंदर। अगर आप अपने मोबाइल थीम्स में आते हैं तो आपको बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे थीम्स के ऐप में। आप हालांकि थर्ड पार्टी थीम तो नहीं लगा सकते अभी भी, देखिए मैं थर्ड पार्टी थीम लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर नेट कनेक्शन चल जाए, किस्मत कितनी अच्छी नेट कनेक्शन चल गया। यहाँ देखिए मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए गेटिंग इन्फो लिखा हुआ आ रहा है और अप्लाई नहीं होगा। यानी देखिए थर्ड पार्टी थीम नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ, थर्ड पार्टी थीम भी बहुत जल्दी सपोर्ट करने लग जाएगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई थर्ड पार्टी थीम कब तक सपोर्ट करती है। हालांकि देखिए यहाँ पे हैंगिंग इशू थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी इंप्रूव कर दिया जाएगा। तो फाइनली आज के वीडियो में था, हालांकि इस अपडेट में कुछ खास फीचर्स नहीं आए हैं, आएंगे तो मैं आपके लिए अलग शायद अगले नेक्स्ट अपडेट में आपको मिल जाएगा। हालांकि शाओमी में अब क्या कर रहा है, जब से MIUI 10 आया है तब से आपको थर्सडे को ही अपडेट दे रहा है, मतलब शाओमी थोड़ा सा फास्ट हो गया है, तो ये अच्छी बात है कि हमें फास्टली
अपडेट देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले हमें फ्राइडे को मिलते थे, अब आपको थर्सडे को अपडेट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जब MIUI 8 या फिर MIUI 9 आया था उस टाइम में आपको थर्सडे को देखने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद फ्राइडे कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली वापस थर्सडे कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनली आज की वीडियो में था, अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।